हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस 2016-20 के अंदर हीट के कुछ टॉपिक्स जो है उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोल रखा है कि एक वाटर कूलर है, ये जो डायग्राम के अंदर बता रखा है। तो इस वाटर कूलर के अंदर जो कैपेसिटी है वो बता रखी है 120 लीटर के बराबर। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियल है, वाटर जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब यहां से कह रहे हैं कि जो कोल्ड वाटर है वो इस डिवाइस के अंदर फ्लो हो रहा है और हॉट वाटर वापस कूलर के अंदर जा रहा होगा। और ये जो डिवाइस है ये 3 किलोवाट की जो हीट है इस रेट से कंटिन्यूस हीट जनरेट कर रहा है। अब वो जो हीट जनरेट किया ये कोल्ड वाटर रिसीव करेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा और वापस कूलर के अंदर इस तरह से जा रहा होगा। अगर इसका टेम्परेचर कंटिन्यूस 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता रहे तो हम बोल सकते हैं कि जो कूलर है जिसकी पावर पी है वो हम इसके बराबर बोल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? अगर टेम्परेचर फिक्स मेंटेन है, मतलब जितनी हीट इसने दी कूलर ने उतना कूल कर दिया, उतनी ही हीट वापस रिसीव कर ले। लेकिन बता क्या रखा है कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे एक्सीड कर सकता है अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसकी मिनिमम पावर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जब 3 आवर्स के लिए इसको ऑपरेट करवाया है, इसको 3 घंटे के लिए अगर हम ऑपरेट करवा रहे हैं तो 3 घंटे के अंदर इसका टेम्परेचर 10 से 30 तक एक्सीड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पावर मिनिमम के लिए हम बोल सकते हैं कि इसने 3 किलोवाट एनर्जी दी लेकिन ये उतना ठंडा नहीं कर पाया तो इसकी पावर थोड़ी कम है 3 से। और जो दोनों का डिफरेंस है 3 घंटे में जो एनर्जी देगा वो वाटर को 10 से 30 तक एक्सीड करवा सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि 3 किलोवाट एनर्जी जो हमको मिल रही है रिसीव कर रहे हैं डिवाइस से, माइनस जो पी पावर वो कूलर दे रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 3 घंटे के अंदर। 3 घंटे के अंदर हो गए इतने सेकंड्स हो गए, ठीक है। इतनी जो पावर है ये वाटर को 120 लीटर वाटर हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 120 केजी के बराबर, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोल रखी है। तो ये हो जाएगा 120 एम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम एस डेल्टा टी, एनर्जी जो मिली है स्पेसिफिक हीट वाटर की जो बता रखी है वो बोल रही है 4.2 किलो जूल और एम के यूनिट के अंदर बता रखा है। तो 4.2 किलो ये वैल्यू हो गई। डेल्टा डी टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज हो सकता है 10 से 30-20 ये वैल्यू होगी। यहां से हम पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पावर की कैलकुलेशन अगर करें तो ये हो जाएगा 3600 × 3, इधर मल्टीप्लाई से हो रहा है, या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इससे। ये जीरो नहीं है, तो P की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे जो आएगी 3000 माइनस 40 आ जाएगा, तो 80 ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अपनी अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 2067। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसी हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर उसका है, करंट फ्लो हो रहा है, फिलामेंट जो है करंट कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको हम कंसीडर करते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो रैंडम लोकेशन से वो थोड़ा कम होता जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली इवेपोरेशन की वजह से उसका किसी जगह से एरिया थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है उस फिलामेंट का। तो और जो वोल्टेज दे रखा है वो कॉन्स्टेंट वोल्टेज उसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए क्या हम बोल सकते हैं कि जो फिलामेंट है बल्ब का, जो फिलामेंट है उसको पहले मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ एक बार की इस तरह से, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्मली इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, कुछ जगह से इसका एरिया थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बाकी जगह एरिया लगभग वैसा सही रहेगा। तो कुछ पोर्शन में जैसे इसका एरिया कम हुआ हम रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस जब कंसीडर करें रो एल बाई ए,
तो जो एरिया है, एरिया कम हुआ इसलिए हम बोल सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। लेकिन हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें जहां पे एरिया कम हुआ है, वहां पे हमने वोल्टेज लगा रखा है, वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है, पूरे पे वोल्टेज तो सेम है, लेकिन इस छोटे से सेक्शन पे वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेक्शन सारे सीरीज में है, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा जब सीरीज में है, तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, स्मॉल पोर्शन का जो रेजिस्टेंस डीआर है वो इंक्रीज हुआ। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप अगर इसके अक्रॉस इंक्रीज हुआ तो जिस छोटे से सेक्शन में पावर होगी, वो पावर जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप था वो पहले के कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ, वी स्क्वायर छोटे से सेक्शन का, वी स्क्वायर बाई जो भी छोटे से सेक्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर टर्म है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि छोटे से सेक्शन में पावर जो है वो इंक्रीज हो। तो अगर पावर इंक्रीज हुई छोटे से सेक्शन में, तो पावर इंक्रीज होने पर जो रेडिएशन है वो हम बोल सकते हैं E सिग्मा ए टी की पावर 4, ब्लैक बॉडी है, E की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो पावर रेडिएशन अगर इंक्रीज होगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है उस छोटे से सेक्शन का ज्यादा इंक्रीज होगा, ज्यादा रेडिएट ये कर रहा होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इस सेक्शन पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बाकी पे थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। द रेजिस्टेंस ओवरऑल स्मॉल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट डिक्रीज विद टाइम, रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एरिया कम होने की वजह से। थर्ड, द फिलामेंट इमिट मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर ब्रेकअप, तो क्या होगा, कुछ इस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर टेम्परेचर और वेवलेंथ में रिलेशन देखें तो वीन्स कॉन्स्टेंट टी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू वीन्स कॉन्स्टेंट वीन्स लॉस है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो फिलामेंट में मोर लाइट एट हायर बैंड फ्रीक्वेंसी, ये सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, द फिलामेंट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बल्ब, अब पावर जब हम देख रहे हैं तो पावर कंजम्पशन में वोल्टेज फिक्स है, तो हम पावर कंजम्पशन बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो पावर कंजम्पशन और डिक्रीज हो रहा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपना फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक मेटल को हीट कर रहे हैं किसी फर्नेस में और जो सेंसर है वो लगा रखा है, सेंसर की जो स्केलिंग है वो कुछ इस तरह से बता रखी है, लॉग के अंदर बता रखी है, तो कुछ इस तरह से कि जो भी पावर इमिट कर रहा है उसके बेसिस पे लॉग बेस टू पी बाई पी नॉट वो स्केलिंग करता है, इसके बेसिस पे रीडिंग लेता है। तो बोल रखा है कि जब उसका टेम्परेचर मेटल सर्फेस का टेम्परेचर 487 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 487 प्लस 273, क्योंकि जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो केल्विन में हम कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 760 केल्विन। तो जब ये टेम्परेचर है तब उस सेंसर की जो वैल्यू है वो 1 बता रहा है, रीडिंग 1 बता रहा है, तो ये रीडिंग 1 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं लॉग बेस 2 पावर, जब रेडिएशन होता है तो पावर हम बोलते हैं सिग्मा ए टी की पावर 4, इस तरह से रहेगा, तो हम पावर की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले वी लिख देते हैं बाद में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई पी नॉट, ये पहले रीडिंग। सेकेंड केस में जब इसका टेम्परेचर 2767 है तब रीडिंग पूछी हुई है, उस टाइम पर टेम्परेचर हो गया 2767 प्लस 273, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करें इसको, तो ये आ जाएगा 3 0 और 4 0, ये केल्विन में टेम्परेचर आ गया। अभी स्केल कितना रीड कर रही होगी, तो अभी स्केल रीड करेगी कुछ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस 2 पावर डैश डिवाइड बाय बी, ये रीडिंग आएगी इसकी। और हम क्या करें, यहां से रिलेट करते हैं पावर का टर्म यूज करते हुए, पावर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस अगर लें x माइनस 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 2, जब लॉग के अंदर डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस को हम रेशियो में बोल सकते हैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो कन्वर्ट होके आ जाएगा p डैश बाय p, और p डैश बाय p का रेशियो जो है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बेसिस पे, तो ये डिफरेंस को हम बोल सकते हैं लॉग बेस 2
पी डैश की जगह लिखेंगे टेम्परेचर, बाकी टर्म्स कैसे सेम है, तो 3040 डिवाइड बाय 760 की पावर, ये वैल्यू, और 760 जब कैलकुलेट करें तो 4 टाइम्स लगभग ये, ठीक है, ठीक 4 टाइम्स ये आ गया, इसकी पावर 4 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 की पावर 8 बोल सकते हैं, लॉग के अंदर ये वैल्यू आ गया, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ, तो ये आ गया लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, अब ये वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया तो 8 9 हो गया, तो यहाँ से x, सॉरी 8 जो 1 आया 9, तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि रीडिंग कितनी होगी इसकी, तो रीडिंग इसकी 9 होगी उसके करस्पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो हमें रॉड्स दे रखी है, दो वायर्स दे रखे हैं PQ एंड RS, अब इनका जो Q और R वाला पार्ट है उनको ज्वाइन कर दो, तो कुछ इस तरह से PQ, दूसरा है RS, और इसमें बता रखा है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, लेंथ 1 मीटर है, P का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है, मतलब ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और जो दूसरा एंड है उसका टेम्परेचर बता रखा है कुछ S एंड जो है उसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, ये इनिशियल टेम्परेचर बता रखा है, और ये बोल रखा है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वायर PQ की डबल है ट्वाइस देन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 की, तो हमें पूछा हुआ है कि जो PQ वायर है इसकी लेंथ में चेंज कितना होगा अगर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करें इसका टेम्परेचर देख लेते हैं पहले कि इसका टेम्परेचर कितना है, वैसे तो सेम नहीं है, हर एक एंड का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो हर एक सेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो सबसे पहले तो इसमें टेम्परेचर हम कैलकुलेट करें दोनों एंड का, लीनियरली टेम्परेचर वेरी होगा क्योंकि जब हीट ट्रांसफर होती है तो जो टेम्परेचर फ्लो होगा टेम्परेचर होगा हर सेक्शन का वो लीनियरली वेरी होगा, तो हर एक छोटे से सेक्शन में हमें थर्मल एक्सपेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि यहाँ का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, फिर लीनियर रिलेशन निकालते हैं टेम्परेचर का, फिर छोटे से सेक्शन में हम एक्सपेंशन निकाल के कंप्लीट का एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि दोनों में हीट फ्लो सेम होगा, इस वाले सेक्शन में हीट फ्लो हो जाएगा AKA डेल्टा टी बाय L, K डेल्टा टी बाई एल, इसमें हीट फ्लो K A डेल्टा टी बाय L, लेंथ दोनों सेम है 1 मीटर, एरिया सेम है, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन करें 2T माइनस 20 इक्वल्स टू 400 माइनस T, तो 3T इक्वल्स टू 420, तो T की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री सेल्सियस, इस एंड का टेम्परेचर हमारे पास आ गया, अब किसी भी एक छोटे से सेक्शन पे यहाँ की बात कर लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया dx, इसके अंदर हम चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पहले यहाँ का टेम्परेचर लिखें, टेम्परेचर लीनियरली वेरी होगा तो टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ t किसी भी x पोजीशन पे t इक्वल्स टू ax + b लीनियर वेरिएशन, ठीक है, जो इनिशियली है अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो है 10, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो टेम्परेचर 10 मतलब b की वैल्यू है 10, जब x की वैल्यू l रखेंगे तो a l माइनस b प्लस b ये वैल्यू है 140, सही, तो ये हमारे पास लीनियर रिलेशन यहां से आ गया, वैल्यूज देखेंगे या तो पूरा लीनियर रिलेशन कन्वर्ट कर दें वैल्यू क्या है ये बाद में देखेंगे कैलकुलेशन करना, तो क्या करते हैं छोटे से सेक्शन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंशन कितना होगा, तो छोटे से सेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा उसको मैं डीएल बोल रहा हूं, डीएल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, इसके अक्रॉस टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो यहां पर टेम्परेचर है कुछ टी और इनिशियल टेम्परेचर था टी नॉट, 10 डिग्री सेल्सियस था पूरे का, 10 डिग्री सेल्सियस से कितना चेंज, t की वैल्यू है ax + b और b की वैल्यू है t नॉट, तो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा वो ax हो जाएगा, तो dl = dx alpha ax,
सही है, ये छोटे से सेक्शन में चेंज, टोटल चेंज के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू n, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू n, 0 पुट करने पर 0, l पुट करने पर a अल्फा l स्क्वायर बाय, यहां से ए एल की वैल्यू देखोगे तो वो है ए एल की वैल्यू, ए बी की वैल्यू 10 है तो ए एल की वैल्यू है 130। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा ए एल की वैल्यू 130 इंटू एक एल लेंथ ही 1 डिवाइड बाय 2, ये 1 सही है। अल्फा की वैल्यू देखें, अल्फा की वैल्यू 1.2, डेल्टा एल की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 130 डिवाइड बाय 2। इसकी कैलकुलेशन करें अगर तो 78, इनको मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर माइनस 5 मीटर, या 10 स्क्वायर माइनस 3 में कन्वर्ट कर दें, एमएम में कन्वर्ट कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.78 एमएम के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंडर के अंदर गैस बता रखा है, पिस्टन मूवेबल है। अब इसके अंदर बता रखा है कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम कुछ दे रखा है और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम इसके अंदर बता रखा है। तो अगर हम इसका पीवी डायग्राम देखें तो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है 10^5, 10^-3, कुछ ये स्टेज हम कंसीडर कर लेते हैं। ये मीटर क्यूब है, ये पास्कल है, ये इनिशियल स्टेज हमने कंसीडर कर ली। फाइनल स्टेज के अंदर जो इसका प्रेशर है 1/32 टाइम्स हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम पहले से 8 टाइम्स हो गया तो वॉल्यूम इसका बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। तो यहां कुछ ये हम फाइनल स्टेज इसकी कंसीडर कर देते हैं। अब इसमें बता रखा है कि ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है जिसमें पी की पावर 3 वी की पावर 5 इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस है पी की पावर 3 वी की पावर 5 इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें अगर पूरे की पावर हम 1/3 कर दें तो ये कुछ इस तरह का कांस्टेंट हो जाए। अब यहां से क्या दिख रहा है कि अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये वैल्यू गामा के इक्वल होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो अगर गामा की वैल्यू देखें तो ये गामा की वैल्यू 5/3 मोनोटॉमिक के अकॉर्डिंग आती है, मोनोटॉमिक के अकॉर्डिंग सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 आर और सीवी की वैल्यू हो जाएगी 5/2 आर, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है कि अब इसको अनदर प्रोसेस के थ्रू, दूसरे प्रोसेस के थ्रू सेम इनिशियल स्टेज से सेम फाइनल स्टेज पे ले गए, लेकिन पहले जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए फिर बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए फाइनल स्टेज पे पहुंचे, पहले प्रेशर कांस्टेंट रखा फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, तो ये प्रोसेस इसका हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्रोसेस के अंदर हीट कितना सप्लाई किया गया सेकेंड प्रोसेस के अंदर। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो हीट सप्लाई होगा वो हीट सप्लाई हो जाएगा कितना, एन सी पी डेल्टा टी, प्रेशर कांस्टेंट था फर्स्ट प्रोसेस था ये लिख दिया इसको। फिर जब सेकंड प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो हीट सप्लाई होता है एन सी वी डेल्टा टी जब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक, सी पी की वैल्यू है 5/2 आर, एन आर डेल्टा टी को हम P2V2-P1V1 लिख सकते हैं। पहले जब प्रेशर कांस्टेंट है तब वाली कंडीशन, क्योंकि CP की जगह लिख दिया 5/2 into R, तो R आ जाएगा n R delta T को P2V2। सिमिलरली CV की जगह वैल्यू रख दी 3/2 R n R delta T को फिर से वही लिख सकते हैं P2V2-P1। ये सेकंड प्रोसेस जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सेम नहीं है प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम इतना हो गया, प्रेशर तो बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाएगा 7 टाइम्स,
प्रेशर आ गया 10^5, वॉल्यूम आ जाएगा 7 × 10^-3 और बाहर हो जाएगा पाइप बाई, ठीक। इसके अंदर हो जाएगा 3/2, वॉल्यूम कांस्टेंट इस बार 8 × 10^-3, प्रेशर का डिफरेंस अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बाद में प्रेशर कम है, पहले कम है तो ज्यादा था, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, यहाँ लिख देते हैं, तो और प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा 1 − 1/32, जो जाएगा 31/32, यह कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 35/2 × 10^2 माइनस 8 से 4, 8 नीचे रह गया, ऊपर आ गया 31 × 3 × 10^2, ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 140 − 93 जो हो जाएगा 4700/8, तो ये आ जाएगा अराउंड 5, लगभग 600 से थोड़ा सा, ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, 600 से थोड़ा सा कम, ये 588, तो ये वैल्यू, ये लगभग अप्रॉक्सीमेट हमने बोला है तो अप्रॉक्सीमेट ये आ गया 588, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया 1 m² दे रखा है और टेम्परेचर जो है वो 10°C अबव है सराउंडिंग टेम्परेचर से, सराउंडिंग टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब बोल रखा है कि जो σT0⁴, इसके लिए सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए 460 वैल्यू, तो कुछ ऑप्शंस बता रखे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में बोल रखा है कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाए Δt0, जो T0 से काफ़ी कम है, तो उस टाइम पर जो बॉडी को हीट रेडिएट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो इतना रेडिएट करना पड़ेगा पर मिनट टाइम पहले, तो देखते हैं हीट कितना रेडिएट करना पड़ रहा है बॉडी को, तो बॉडी को हीट रेडिएट करना पड़ेगा σA⁴ − T0⁴, ये बॉडी को हीट रेडिएट करना पड़ रहा था पहले, ठीक है। अब कितना हीट रेडिएट करना पड़ेगा बॉडी को जब स्मॉल अमाउंट से चेंज कर दिया, तो स्मॉल चेंज के लिए इसको एक बार के लिए P बोल देता हूँ, तो स्मॉल अमाउंट में चेंज अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, वेरिएबल क्या है T0, सराउंडिंग टेम्परेचर को चेंज किया इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया σA, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 T0⁴, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पावर कितना रेडिएट करना पड़ा वो आ जाएगा σA⁴ × dT0, स्मॉल चेंज किया था इसलिए। ऑप्शन में क्या मेंशन कर रखा है, 4 भी था, e की वैल्यू 1 कंसीडर की हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको 1 कंसीडर कर लेंगे तो σ⁴ σT³ Δt, इतना एक्स्ट्रा रेडिएट करना पड़ेगा इसको बॉडी, नेगेटिव साइन जरूर है, नेगेटिव साइन, लेकिन डेल्टा टी टेम्परेचर डिक्रीज किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, इतना एक्स्ट्रा रेडिएट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है बॉडी का टेम्परेचर जो राइज होगा तो उस टाइम पर रेडिएशन जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर राइज होता है बॉडी का तो टी लैम्डा मीन्स कांस्टेंट रेडिएशन के लिए, तो अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना गलत है। थर्ड, रेडिएशन, रेडिएशन जो है मेंटेन रखने के लिए सरफेस ऑफ द बॉडी अलाउ ह्यूमन मेंटेन द सेम टेम्परेचर वायर रिड्यूसिंग द एनर्जी बाय, तो अगर हम सरफेस एरिया रिड्यूस करते हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो रेडिएशन कम होगा, तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर हमने सरफेस एरिया कम कर दिया, मतलब ये है कि थोड़ा सिकुड़ गए उस तरह से एरिया अगर कम कर दिया कर लेंगे, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर सेम मेंटेन रखने के लिए कम रेडिएशन हमें करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट बाय द बॉडी इन 1 सेकंड क्लोजली 60 जूल, ये हम कैलकुलेशन जरा करते हैं कि बॉडी कितना रेडिएट कर रहा है, कितना रेडिएट करना पड़ रहा है बॉडी, उसकी कैलकुलेशन के लिए
ये पूछा कितना रेडिएट करना है, ई की वैल्यू वन, सिग्मा की वैल्यू जो है वो बता रखी है इसमें, सिग्मा की वैल्यू सॉरी सिग्मा टी नॉट की पावर 4 दे रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा एरिया है 1, टेम्परेचर है बॉडी का 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, टी नॉट प्लस टी टी, स्मॉल चेंज, ये टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो ये हो गया 1 प्लस डी टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है 460, और बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू लार्ज है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स डी टी बाई टी नॉट माइनस 1। डी टी टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू आ गई 460, 1 कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स 10 टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है 300, यहाँ से ये कैलकुलेशन हो गई 4 8 बाय 3, डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर, और ऑप्शन बोल रखा है कि क्लोज टू 60 जूल, तो ये भी अपना सही है। तो ऑप्शंस ये थर्ड और फर्स्ट अपना सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आइडियल गैस हमें दे रखी है और ये 3 कॉलम्स के अंदर, पहले में हमें दे रखा है इक्वेशन वर्क की, सेकंड में कौन सा प्रोसेस है, थर्ड में ग्राफ बोल रखा है, तो इनमें हमें मैच करके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस बताने हैं कौन सा सही है। तो अगर पहले मैच करवा लेते देखते हैं, ये वाला प्रोसेस अगर याद हो तो ये वर्क हो रहा है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो पहला हम बोल सकते हैं ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, दोष में रखा, ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर ग्राफ देखें, पीवी ग्राफ, तो आइसोथर्मल पर एडियाबेटिक में स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा क्यू। सेकंड जो है उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो हम आइसो बारिक प्रेशर कांस्टेंट बोल सकते हैं, समझा भी, प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। थर्ड वर्क जीरो, वर्क जीरो होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल ग्राफ होना चाहिए। ये फोर्थ ऑप्शन है माइनस एन आर टी एल वी टू बाय वी वन, तो ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में इसी तरह का वर्क होता है, आइसोथर्मल में ग्राफ जो होगा पीवी ग्राफ वो पैराबोलिक होगा, सॉरी हाइपरबोलिक होगा, तो हाइपरबोलिक ग्राफ जो है ये और ये है, लेकिन एडियाबेटिक ये था, ये आइसोथर्मल हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने मैच हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट है वो मैच हो रहा है फोर्थ से, और फर्स्ट फोर और थ्री, सेकंड जो है वो मैच हो रहा है थर्ड से और पी से, थर्ड जो है वो मैच हो रहा है अपना सेकंड से और एस, फोर्थ जो है फोर्थ मैच हो रहा है फर्स्ट से और आर से। तो इन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो इसमें बोल रखा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज स्पीड ऑफ साउंड के लिए आइडियल गैस में कौन सा प्रोसेस, तो जब हम स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं तो उसमें लैपलास करेक्शन के बारे में देखा था, वो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो कौन सा है जिसके अंदर फोर्थ है, फोर्थ एडियाबेटिक प्रोसेस फर्स्ट, ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अपन को देखना है, फर्स्ट फोर्थ क्यू, फर्स्ट फोर्थ क्यू सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें बोल रखा है कि कौन सा सही करेक्शन, सही रिलेशन है, तो फर्स्ट में सेकंड के लिए बोल रखा है तो सेकंड थ्री नहीं है, थर्ड के लिए थर्ड सेकंड एस, ये हो जाएगा, इसमें भी सेकंड ही हो जाएगा, सेकंड फोर है नहीं,
फॉर सेकेंड यूनिट, तो ये सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट। नेक्स्ट में बोल रखा है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डी वी, कौन से के लिए सही है? तो ये तो लिखा हुआ है वर्क डेल्टा यू, तो यहां पर ये प्रोसेस एक तरह से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बोल रखी है, तो जो भी प्रोसेस मैच हो रहा होगा उसको हमें चेक करना है। थर्ड नहीं है, सेकेंड थर्ड पी इसमें भी सेकेंड के अपना मैच हो रहा, थर्ड नहीं मैच हो रहा, फोर्थ नहीं मैच हो रहा, ठीक है, तो ये सेकेंड अपना हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1 मोल मोनोटोमिक गैस के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो फर्स्ट प्रोसेस है ये हाइपरबॉलिक है, तो हाइपरबॉलिक है तो कुछ इस तरह से रहा होगा कि टी वी की पावर कुछ कॉन्स्टेंट और इस तरह का रहेगा। थर्ड भी कुछ इस तरह से, एक्स की वैल्यू कुछ डिफरेंट रहेगी, यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल है, फोर्थ भी आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। बता रखा है कि फर्स्ट, अब ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट में बोल रखा है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट बता रखा है, जबकि फर्स्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट अपना गलत है। सेकंड में बोल रखा है कि जो सेकंड प्रोसेस है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, सेकंड प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जो हीट होगी वर्क के इक्वल होगी और ये हो जाता है एन आर टी log v2 by v, ये होगा। तो इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, हीट पॉजिटिव आएगी मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में, फोर्थ प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज करने की बात करा, तो फोर्थ प्रोसेस भी आइसोथर्मल है, सेम इसी तरह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव, क्यू नेगेटिव, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, सॉरी रिलीज कर रहा होगा इस वाली कंडीशन में, तो हीट रिलीज की कि वर्क नेगेटिव है तो वर्क से जो भी एनर्जी मिली वो बाहर निकल। फोर्थ में बोल रखा है कि प्रोसेस फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइसोबारिक, प्रेशर अगर कांस्टेंट होता तो टी बाय वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, या टी इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट टाइम्स वी होता, स्ट्रेट लाइन होता अगर प्रेशर कांस्टेंट होता, स्ट्रेट लाइन कर्व फर्स्ट और थर्ड है नहीं तो सही है कि ये इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो कंडक्टिंग सिलेंडर्स है, इक्वल लेंथ है लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है और टेम्परेचर टी वन जो है वो है 300 केल्विन, ये है 100 केल्विन। बता रखा है कि रेडियस जो बिगर सिलेंडर की है वो ट्वाइस है, रेडियस अगर ट्वाइस है इसका एरिया ए कंसीडर करो तो इसका एरिया 4 हो जाएगा, रेडियस ट्वाइस पाई आर स्क्वायर तो डबल हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। तो ये पूछा हुआ है कि अगर जंक्शन का टेम्परेचर 200 केल्विन है तो K1 बाई K2 कितना है, K1 बाई U2, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी हीट इधर से फ्लो होती हुई आ रही है इधर फ्लो होगी, तो हीट फ्लो की इक्वेशन अगर हम देखें तो हीट फ्लो हम लिखते हैं के ए डेल्टा टी बाय एल, सही है। सेकेंड के अंदर देखें तो यहां पर के एरिया 4 times, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 100 का बाय एल, तो यहां से रेशियो अगर हम K1 by K2 कैलकुलेट करें तो ये 4 आ रहा है, K1 by K2 का रेशियो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मोल मोनोटोमिक गैस बता रखी है, मोनोटोमिक है और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के थ्रू इसका वॉल्यूम जो है वो 8 times कर दिया, इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट आर की वैल्यू 8 बोल रखी है, तो डिक्रीज इन एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो हम बोलेंगे एन सी वी डेल्टा, ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, मोनोटोमिक गैस है, CV की वैल्यू होगी 3/2R, R की वैल्यू है 8, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 100। फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें तो उसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रखा है,
एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर टी v की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इनिशियल टेम्परेचर 100, वॉल्यूम v ले लेते हैं, मोनोटॉमिक है तो गामा की वैल्यू होगी 5/3, 5/3 माइनस 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम 8 टाइम्स बोल रखा है, 8v, और उसकी पावर भी हुई गामा माइनस 1, 2/3। 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2 की पावर 2 रह जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 100/4 मींस 25 केल्विन। 25 यहां पे लिखेंगे, 25 माइनस 100 75 दिया जाएगा, इनटू 8 इनटू 3/2 नेगेटिव आएगा साइन, ठीक है। यहां से हमें कैलकुलेशन से तो ये आ गया 12 इनटू 75 और 75 इनटू 12 हो जाएगा 690 जूल के बराबर, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 900 जूल नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ पे, इसका मतलब डिक्रीज हुई इंटरनल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। इसके अंदर दे रखा है कि जो वन मोर मोनोटॉमिक आइडियल गैस है वो 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग है, पीवी डायग्राम इसका दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि एक आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है और एडियाबेटिक है। तो इसमें ये जो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है ये हो गया आइसोबारिक, सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट ये हो गया आइसोकोरिक। फर्स्ट और फोर्थ में जब कंपेयर करें तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो एडियाबेटिक है, तो ये एडियाबेटिक है फर्स्ट, ये आइसोथर्मल है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो गए। अब इस लिस्ट सेकंड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फर्स्ट में तो प्रोसेस बता रहे थे, तो वर्क डन बाय द गैस इज जीरो, तो वर्क डन बाय गैस जीरो होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस थर्ड आइसोकोरिक, थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाएगा इसका। दूसरे में टेम्परेचर जो है वो गैस का कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल फोर्थ है, फोर्थ यहाँ पे बोल रखा है इसमें। नेक्स्ट है इसमें बोल रखा है नो हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज नहीं होती है अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हीट एक्सचेंज नहीं होती है एडियाबेटिक। फिर वर्क डन बाय द गैस इज 6P0V0, वर्क डन बाय द गैस, अब सिंगल एक प्रोसेस बचा हुआ है आइसोबारिक, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर वर्क भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइसोबारिक के अंदर वर्क डन होता है P डेल्टा, पी की वैल्यू है 3P0, वॉल्यूम चेंज हुआ है वी नॉट से 3V0 टू वी नॉट के, तो यहाँ पे बात हो गया 6P0V0, मतलब ये भी सही है कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब सेकंड इसके अकॉर्डिंग है, तो पी थर्ड दो में है, क्यू फोर दोनों के अंदर है, R1 ये हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करंट कैरिंग वायर है उसको हीट किया जा रहा है मेटेलिक रॉड को, और पावर जो दे रहा है वो पी पावर कॉन्स्टेंट एक पावर प्रोवाइड कर रहा है, और एक एनक्लोजर के अंदर इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर के रॉड है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ इस तरह से वेरी हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ये बताना है कि इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं क्यू, तो Q इक्वल्स टू इसके अंदर होगा एम एस डेल्टा टी, या डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी, पावर बता रखी है मतलब पर सेकंड, ये पावर कुछ इस तरह से हो जाएगी एम एस हीट कैपेसिटी इसकी, जो हमें कैलकुलेट करना है तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू दे रखा है पी कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई की, एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी क्यू बाई डी टी हमें डिफरेंशिएट करते हैं जरा टेम्परेचर को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टी नॉट तो कॉन्स्टेंट है बाहर, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, बीटा टी की पावर 1/4, तो पावर पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर पावर में से कम कर दिया 1/4 -1, तो -3/2
तो ये पी की वैल्यू आ गई, यहाँ से हीट कैपेसिटी एमएस की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें जो भी ऑप्शन दे रखे उसमें टाइम वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो इस टाइम वाले टर्म को हमें सब्सिट्यूट करना है, यहाँ पर कर देते हैं। तो टाइम वाले टर्म को सब्सिट्यूट करें तो पी या एमएस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 4P डिवाइड बाई टी नॉट डिवाइड बाई बीटा, और ये पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/4 की वैल्यू पता है पावर 3 रह जाएगी, तो 1/4 की वैल्यू आ जाएगी टी बाई टी नॉट, टी बाई टी नॉट माइनस वन डिवाइड बाई बीटा, ये वैल्यू। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये एम एस की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 4P डिवाइड बाई टी नॉट बीटा, और इसको सिंप्लीफाई किया टी माइनस टी नॉट की पावर 3 डिवाइड बाई टी नॉट की पावर 3 बीटा की पावर 3, ये हीट कैपेसिटी जो है 4P डिवाइड बाई टी नॉट की पावर 4 बीटा की पावर 4 टी माइनस टी नॉट की पावर 3, ये इसका हीट कैपेसिटी आ गया। तो ये हीट कैपेसिटी जिस भी ऑप्शन में अपने फॉर्ड फोर्थ ऑप्शन ये वैल्यू इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 1 मोल मोनोटॉमिक गैस हमें दे रखा है, आइडियल गैस, और ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस है इसमें पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट टू टू, मतलब इस वाले प्रोसेस में जब हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें प्रोसेस देख लेते हैं। तो टेम्परेचर जब टी नॉट है वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर डबल वॉल्यूम डबल, मतलब स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम ओरिजिन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट तो आइसोबारिक प्रोसेस है। सिमिलरली 4, 3, 4 के अंदर भी देखोगे तो टेम्परेचर 3 times हुआ है यहाँ पे, यहाँ से सॉरी डबल हुआ है, वॉल्यूम भी डबल हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ये आइसोबारिक है, ये आइसोबारिक, तो प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट पता है। तो 1 to 2 प्रोसेस के अंदर हीट जो हमें देनी पड़ेगी, 1 to 2 के अंदर हीट जो हो जाएगी क्यू इक्वल्स टू आइसोबारिक प्रोसेस एन, एन की वैल्यू है 1, एन सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर है, सी पी की वैल्यू मोनोटॉमिक है, सी हो जाएगी 5/2 आर, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज, यहां से यहां तक टी नॉट। तो ये 1 से 2 वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर आ गया, 3 से 4 वाला प्रोसेस, 3 से 4 वाले प्रोसेस के अंदर क्यू की वैल्यू आ जाएगी एम वही सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज हुआ, यहां से यहां तक टी नॉट बाई टू। तो जो दोनों का रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो कैंसिल हो गया और ये रेशियो आ गया 2:1, ये दे रखा था 1:2, जबकि आया है 2:1, फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1, 2 एंड 2, 3 के अंदर कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 2, 3 के अंदर हीट हो जाएगा, प्रोसेस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, एन 1 है, सी वी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 आर, डेल्टा टी यहां से यहां तक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है टी नॉट के बराबर, ये तो इनके अंदर जो रेशियो आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड का रेशियो, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो हम लेंगे तो ये रेशियोज आ जाएंगे, इधर लिख रहे 5/2 फर्स्ट के अंदर और इसके अंदर 3/2, ये आ जाएगा 5/3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि वर्क डन जो होगा 1, 2, 3, 4, 1 में हाफ आरटी के बराबर वर्क डन पूरे साइकिल में, तो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनमें तो वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 0 आएगा, इसमें और इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, तो फर्स्ट से सेकंड के अंदर वर्क डन आ जाएगा एन आर डेल्टा टी की वैल्यू टी नॉट, एन की वैल्यू 1 आर टी नॉट। 3 से 4 के अंदर ये फर्स्ट सेकंड, 3, 4 के अंदर जो वर्क डन आ जाएगा वही पी डेल्टा वी
एन आर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा 3 से 4 तक टी नॉट बाई 2, लेकिन डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस 1 आर टी नॉट बाई 2। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, आर टी नॉट बाई 2 दोनों का जो एट समेशन होगा ये रहेगा। फोर्थ द अबो थर्मोडायनेमिक साइक्लिक एग्जीबिशन होगा वो ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के अंदर केवल आइसोकोरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस ही है, ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रोसेस ये आइसोबारिक भी था, एडियाबेटिक प्रोसेस कोई सा ही था। थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है वो रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वाले क्वेश्चन में लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस पर है, एक कैलोरी मीटर के अंदर जिसका टेम्परेचर 110 है इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। अब ये बोल रखा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो सॉरी लिक्विड का वो 80 डिग्री सेल्सियस, ये बता रखा है कि शुरुआत के 5 ग्राम जो है लिक्विड वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया, मतलब ये है कि 30 डिग्री पे जब वो 5 ग्राम लिक्विड को हमने कैलोरी मीटर के अंदर डाला तो वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि वो 5 ग्राम का एम एस डेल्टा टी, पहले तो टेम्परेचर राइज हुआ 80 तक वेपराइजेशन तक, तो डिफरेंस है 50 का, फिर वो इवेपोरेट भी हो गया, तो ये ऑपरेशन के लिए लिखते हैं एम एल, एम है 5 एल यूनिट ग्राम में चला रहेंगे, तो ये हीट उसको मिली थी, ठीक है पहले, अब ये हीट मिली और फिर बाद में बोल रखा है कि इसके बाद वाला जो 80 ग्राम है उसका टेम्परेचर जो है वो 50 हो गया, मतलब 30 से 50 तक आ गया, ये पहली सिचुएशन थी। बाद वाली सिचुएशन में 80 ग्राम एम एस डेल्टा टी उसका टेम्परेचर राइज हुआ 30 से 50 20, ठीक है। अब ये टेम्परेचर मिल कहां से रहा है, कैलोरी मीटर से, तो 80 डिग्री सेल्सियस पहले कैलोरी मीटर का टेम्परेचर आ गया तब तक तो इवेपोरेट कर दिया उसको, उसके बाद जैसे 80 से नीचे हुआ तो लिक्विड का टेम्परेचर राइज हो नहीं पाया उतना ज्यादा, तो पहले उसके लिए कैलोरी मीटर के एम एस डेल्टा टी कैलोरी मीटर का टेम्परेचर 110 से 80 तक आया होगा 30, तब तक इसको इवेपोरेट करता रहा, टेम्परेचर ज्यादा रहा या लगभग इक्वल तक आ गया था, तो इतनी हीट इसने भी इसने ली थी। नेक्स्ट प्रोसेस में 80 से 50 आ गया एम एस 30, इतना हीट दिया और उससे इसका टेम्परेचर राइज। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एम एस 30 की वैल्यू यहां से जो सब्स्टिट्यूट कर दो ये आ गया 250 S प्लस 5 L इक्वल्स टू 1600 S, तो ये आ गया 5 L इक्वल्स टू डिफरेंस लिया 1350 S। तो रेशियो पूछा था यहाँ पे, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का, एल बाय एस का जो रेशियो आ गया वो यहाँ से आ गया 270, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक गैसियस मिक्सचर दे रखा है जिसमें 5 मोल तो मोनोटॉमिक है, 1 मोल डायटॉमिक, रिजिड डायटॉमिक बोलने का मतलब है कि वाइब्रेशनल कंसिडर नहीं करना उसके अंदर, केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करते हैं। इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर टी नॉट वी नॉट टी नॉट बोल रखा है, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया उसको वी नॉट बाई 4 तक, तो इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं वो चेक करना है। तो पहले तो इसका हम गामा मिक्सचर कैलकुलेट करें, पर तो अगर गामा मिक्सचर हमें कैलकुलेट करना है तो गामा मिक्सचर हो जाएगा एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइड बाई एन वन सी वी वन प्लस एन टू सीवी टू, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 मोनोटॉमिक सीवी की वैल्यू 5/2 प्लस 1 डायटॉमिक सीवी की वैल्यू 7/2 डिवाइड बाय 5 सीवी 1 मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए 3/2 प्लस 1 डायटॉमिक का सीवी, तो ये वैल्यूज आ गई कुछ 25 प्लस 7 30
टू, 15 + 5 = 20, ये 1.6, तो गामा मिक्सचर जो है वो आ गया 1.6। फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर निकालना, तो प्रेशर के लिए इनिशियल प्रेशर वन है पावर गामा, ठीक है, इक्वल टू फाइनल प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रखा है पहले का, बाई फोर हो गया 1.6। तो प्रेशर पी इक्वल टू पी नॉट, और फोर को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये जाएगा 2 की पावर 2, डबल कर दिया 3.2 जाए, और इसका वैल्यू 2 की पावर 3.2 का वैल्यू दे रखा है 9.2, आ गया 9.2 पी नॉट, ठीक है। टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टी वी की पावर गामा माइनस वन, गामा था 1.6 माइनस वन, ये हो जाएगा इक्वल्स टू टी वी की पावर गामा माइनस वन, ये तो ये 4 को फिर से वही 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा टी नॉट 2 की पावर 2 और डबल हो जाएगा ये 1.2 प्लस टू टी, और 2 की पावर 1.2 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.3, तो ये टेम्परेचर आ गया 2.3 टी नॉट। टेम्परेचर प्रेशर कैलकुलेट हो गया, गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, पूछा क्या क्या ऑप्शन में वो देखते हैं, ये वैल्यू तो पूछी हुई थी, तो गामा की वैल्यू आ चुकी है। फाइनल प्रेशर जो है वह है 9.2, 9 और 10 के बीच में, ये भी ठीक हो गया है। अब कैलकुलेट करना है वर्क और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर कितना है, वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी टू वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन का, तो पी टू वी टू 9.2 V2 by 4 minus P1 V1 P0 V0 P0 V0 दोनों में से मैंने कॉमन लिया, डिवाइड बाय गामा माइनस 1, गामा की वैल्यू 1.6 माइनस 1.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, तो 5.2 डिवाइड बाय 2.4 P0 V0 जो अप्रॉक्सीमेट 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, और कितना बोल रखा है 13 R P0 की बात, तो ये वर्क इतना, तो वर्क इस रेंज के अंदर नहीं है 13 R P0 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर अगर हम कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 एन आर टी नॉट, फाइनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर, ये बता रखिए आफ्टर, तो 3/2 एन आर टेम्परेचर है 2.3, ये मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5/2 एन आर टी नॉट इन टू 2.3, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 1 डायटॉमिक की, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहां से 15/2 इंटू 2.3 प्लस 5 इंटू 2.3/2 आर टी नॉट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई 15/20 डबल 4.6/2 आर टी नॉट जो है 23 आर टी नॉट 18 to 19 के बीच में, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम वर्क की कैलकुलेशन एक बार दोबारा करें, वर्क डन हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन, तो पी टू वी टू की वैल्यू हो जाएगी
या बी टू बी टू को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन आर डेल्टा टू बाई गामा माइनस वन। एन की वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ मोल्स सिक्स है, सिक्स आर डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज फाइनल 2.3 है इनिशियल टी नॉट था, गामा माइनस वन 1.6 माइनस वन हो जाएगा 0.6, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 13 आर टी। तो इससे जो अपना पहले वाला पार्ट है इसमें जो वर्क है ये होता है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एक पैसेज गिवन है ना दो पार्ट है इसके, तो इसके अंदर एक प्रोसेस मोनोटोमिक गैस बता रखी है और हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस वो टी डेल्टा एक्स की फॉर्म में कुछ बता रखा है और x की वैल्यू कुछ गिवन है, जरा इसके बेसिस पे देखते हैं। टी डेल्टा x हीट जो गिवन है तो हीट जो होगा dq इक्वल्स टू टी dx होगा। अब जरा dx हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार dx कैलकुलेट करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 by 2 r तो कांस्टेंट है, log t by t naught का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 by t के बराबर, ये टर्म पहले डिवाइड में होगा फिर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 by 2 ये वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट टर्म ये जी ये आ जाएगा आर वन बाई वी डीवी टी से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3/2 आर डी टी प्लस टी अंदर मल्टीप्लाई हुआ आर टी डीवी बाई वी। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसके बोल रखे हैं यहाँ पे फॉर अ मोल, एक मोल के लिए, तो यहां पर इसके बेसिस पे आर टी की वैल्यू हम बोल सकते हैं पी वी, तो ये हो गया 3/2 आर डी टी प्लस पी पी वी भी कैंसिल हो गया, ये आ गया डी की वैल्यू। अब यहां पे देखेंगे तो ये हमें कुछ इसी तरह से दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है डेल्टा यू और ये W मतलब du plus dW मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से बता रखा है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो कर रहा है। तो आगे सारी कैलकुलेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। मोनोटोमिक गैस है 3/2 r, क्वेश्चन में मेंशन था मोनोटोमिक गैस, तो इसको कंसीडर करते हुए अब हम आगे कैलकुलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये फर्स्ट ग्राफ हमें दे रखा है, इस ग्राफ के बेसिस पे 1 से 2 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है और 2 से 3 के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोकोरिक। अब जो ऑप्शंस बता रखे हैं वर्क डन 1, 2, 3 मतलब पूरे प्रोसेस के अंदर वर्क डन जो होगा 1, 2, 3 के अंदर वर्क डन, तो यहाँ पे तो वर्क डन होगा नहीं केवल होगा आइसोथर्मल में, इसमें तो इसमें वर्क डन हो जाएगा एन आर टी log v2 by v1, n की वैल्यू 1 किया जाएगा 1 मोल के लिए, ठीक है तो ये हो जाएगा वर्क के करस्पॉन्डिंग 1 टू 3 का वर्क हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड इंटरनल एनर्जी 1 टू 3 के अंदर, तो 1 टू 3 के अंदर इंटरनल एनर्जी यहां पर टेंपरेचर कांस्टेंट है कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा एन सी वी डेल्टा टू, तो एन 1 CV मोनोटोमिक है डेल्टा टी टेम्परेचर भी चेंज हुआ यहां से यहां तक 2 टी नॉट बाई 3 तो ये आ जाएगा आर टी नॉट, तो इंटरनल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आ गया आर टी नॉट। नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब 1, 2, 3 में, हीट एब्जॉर्ब जो होगा इसमें 1, 2, 3 के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एब्जॉर्ब वर्क के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कांस्टेंट है हीट एब्जॉर्ब इसके बराबर ही आ जाएगा, दोनों का समेशन जो होगा वो हो जाएगा टोटल हीट एब्जॉर्ब, दोनों का समेशन यहाँ पर थर्ड टी ऑप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। फिर हीट एब्जॉर्ब 1 to 2 के अंदर, तो 1 to 2 के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब है टेम्परेचर कांस्टेंट है यही है, तो 1 to 2 के अंदर हीट एब्जॉर्ब जो आ जाएगा वो पी के इक्वल किया जाएगा, अपना ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट का पी
सेकेंड का आर, थर्ड का टी और फोर्थ का पी। तो फर्स्ट पी, सेकेंड आर, थर्ड पी, फोर्थ पी, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही है डेटा सब कुछ, इसमें वही ग्राफ जो है आपके बारे से दे रखा है। फर्स्ट है प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोबारिक, और वही कैलकुलेशंस पूछी हुई है, वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब, और फर्स्ट रूट सेकंड में हीट कितनी है। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट प्रेशर कांस्टेंट बी डेल्टा भी हो जाएगा पी डेल्टा, सेकंड में वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो यही टोटल वर्क डन है। पी नॉट, वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 पी नॉट, वी नॉट सॉरी आर टी नॉट। सेकंड है डेल्टा यू, ये तो आ गया डब्ल्यू, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो प्रेशर कांस्टेंट है एन सी वी, डेल्टा टी होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सी वी की वैल्यू मोनोटॉमिक है इसलिए 3/2, एन की वैल्यू 1, 3/2 सी वी की वैल्यू हो जाएगी आर डेल्टा टी की, ठीक है, दोनों प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी बोल सकते हैं। और डेल्टा टी की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए आर डेल्टा टी कैलकुलेट करना, ये यहां से आर डेल्टा टी को बोल सकता हूं, P2 V2 माइनस P1 V1 और 3/2, तो P2 V2 इसके अंदर ये हो जाएगा, मतलब ये कैलकुलेट करना, ये डेल्टा ही दोनों प्रोसेस के अंदर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंस 2 V0 माइनस V0 तो P0 V0 तो 3/2 P0 V0। सेकेंड के अंदर सेम वही प्रेशर में डिफरेंस P0/2 वॉल्यूम 2 V0 डिफरेंस आ जाएगा P0 V0 3/2 रहेगा सर, 3/2 ये है प्रेशर वॉल्यूम में डिफरेंस P0/2 और 2 V0 ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गई टोटल 3 P0 V0 और P0 V0 की वैल्यू 1/3, ये आ गया आर T0 डेल्टा यू की वैल्यू, डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों का सम कर देते हैं, दोनों का सम कर दो 1/3 आर टी नॉट प्लस ये 4/3 आर टी नॉट। और पूछा हुआ है कि 1 to 2 के अंदर हीट कितना है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में पहले वर्क डन था यहां से यहां तक P0 V0 यहां से यहां तक ये हीट, फर्स्ट 1 to 2 में जो हीट आ जाएगा वो इन दोनों का समेशन आ जाएगा W और इस डेल्टा U, तो 3/2 प्लस 1/3 सॉरी 3/2 P0 V0 प्लस P0 V0 5/2 P0 V0 और P0 V0 की वैल्यू 1/3 है, हो जाएगा 5/6 आर टी नॉट। देखते हैं इसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 के अंदर जो वर्क है, वर्क की वैल्यू है 1/3 क्यू फॉर फर्स्ट वर्किंग, सेकंड में डेल्टा यू जो है आर टी नॉट के बराबर, तो सेकंड का वैल्यू हो गया आर, थर्ड में टोटल क्यू वो हो गया 4/3 आर टी नॉट एस, थर्ड का एस, फोर्थ में 1 to 2 में कितना है 5/6 यू में, फोर्थ का यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखें फर्स्ट का क्यू, सेकेंड आर, थर्ड एस, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में एक बल्ब फिलामेंट का सरफेस एरिया बोल रखा है 64 mm स्क्वायर और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसीडर करना, टेम्परेचर है 2500 केल्विन और पॉइंट सोर्स जैसे कंसीडर करना है इसको, और एक बल्ब से 100 मीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जर्वर है जिसके आई के पुपिल का जो सर्कुलर एरिया है 3 mm रेडियस, तो इसके बेसिस में मैं कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि फिलामेंट कितना पावर रेडिएट कर रहा है, तो फिलामेंट का पावर रेडिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसीडर करना है, तो पावर जो रेडिएट करेगा
वो आ जाएगा ई की वैल्यू 1, ई सिग्मा ए टी रेस पावर 4, सिग्मा ए टी रेस पावर, सिग्मा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में मेंशन की भी है 5.67 10 रेस पावर माइनस 8, एरिया बोल रखा है इसका 64 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर है इसका 10 रेस पावर माइनस 6, टेम्परेचर 2500 की पावर 4 है, 64 को मैं बोल सकता हूँ 4 रेस पावर 3, उसको 4 रेस पावर 4 कर देते हैं एक बार के डिवाइड बाय 4, और बाकी पावर जो रह जाएगी उसको देखेंगे, और इसके साथ साथ ये आ जाएगा 2500 पावर 4 माइनस 14 25 इंटू 400, तो इसको हम बोल सकते हैं 10 से पावर 4 की पावर 4 16, और 14 ये नेगेटिव है तो 10 से पावर 2 रह जाएगा, 5.67 हो जाएगा डिवाइड बाय 4, ये पावर है जो आ गई लगभग 1.4 और 1.75 वाट की, इतनी पावर वो रेडिएट कर रहा है जबकि ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है पावर लगभग 642 टू 645 जो गलत है पहला ऑप्शन। सेकंड बोल रखा है कि रेडिएटर रेडिएटेड जो पावर है वो आई के अंदर जब एंटर कर रही है तो उसकी पावर जो इस रेंज के अंदर आ रही है, तो ये जो पावर इसने रेडिएट की है ये पावर रेडिएटेड सोर्स से हर तरफ जा रही होगी और यहां पे आप उसके अंदर एंटर कर रही होगी, तो ये पावर इस पूरे बड़े रेडियस वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका कुछ सेक्शन इस पे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास पावर आएगी वो आएगी टोटल पावर को बड़े एरिया में डिवाइड कर दो, यूनिट एरिया में पावर हो गई और आंख का जो इतना एरिया है उससे मल्टीप्लाई करो, ये पावर थी 567 डिवाइड बाय 4 पाई कैंसिल, इसकी रेडियस है 3 mm, तो ये तो हो जाएगा 3 × 10⁻²⁻³² और ये हो जाएगा एक 4 और है आर 100 का स्क्वायर, पावर हो गई 6 और 4 10 567 इंटू 9 बाय 16 इंटू 10⁻²⁻². ठीक है, ये पावर हो जाएगी और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इन दोनों के बीच में ही आ रही होती है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 3.19 इंटू 10⁻²⁸। ठीक है, थर्ड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करनी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो वीन्स लॉ है उसको यूज करते हुए 2.9 × 10⁻³⁰, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू 2.9 × 10⁻³⁰। टेम्परेचर बोल रखा है 2500 तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2.9 डिवाइड बाय 2500 इंटू 10⁻³⁰। इसको शिफ्ट कर दो 2.9 4 इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 0.25 जो रहेगा सो 1/4 वोल्ट की इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 11 10⁻⁷⁷ या 1160 इंटू 10⁻⁹ मीटर जिसको एमएम में बोल सकते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपना ऑप्शन हो जाएगा था। अब बोल रखा है कि एवरेज वेवलेंथ जो है इतनी कंसीडर करते हुए टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आंख पे कितने आ रहे थे वो कैलकुलेट करना है, तो आंख पे इतनी पावर आ रही थी 3.19 के अराउंड, तो आंख पे जो पावर आ रही है 3.19 इंटू 10⁻⁸, इस पावर को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आ रहे हैं इंटू एच सी बाय लैम्डा की, ये कंसीडर कर सकते हैं, इसमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, H की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है प्लैंक कांस्टेंट की,
6.63 इंटू 10^-34। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3.19 इंटू 10^-8 इक्वल्स टू एम एच सी बेल एम में एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10^-34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10^8 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा बोल रखा है 1740, 1740 नैनोमीटर। तो इसके कैलकुलेशन जब हम करते हैं एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसी रेंज के अंदर 2.8 के अराउंड ये वैल्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो वेसल गिवन है जिसमें कुछ सॉल्यूशन है KMnO4 का। अब इसमें एक में कंसंट्रेशन जो है N1 है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बता रखा है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरे में N2, N1 ज्यादा है, N2 कम है, डिफरेंस कुछ है इनका। और एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया S वाली एक ट्यूब है लेंथ की, इनके बीच में कनेक्टेड है, डिफ्यूजन हो रहा है, विस्कस फोर्स की वैल्यू बोल रखी है -B×V के बराबर, और डेल्टा एन स्क्वायर वाले टर्म को हमें नेगलेक्ट करना है। तो ये बताना है कि पहले फोर्स कितना है, किस फोर्स से ये इसके क्रॉस फ्लो हो रहा है, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर डिफरेंस है, P1 इधर वाला प्रेशर ज्यादा है, इधर वाला कम, P1 - P2 प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर को हम लिख सकते हैं NRT, या नंबर ऑफ मोल्स है NKT बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को ही N1 बोला हुआ है यहाँ पे, तो इसको सीधा ही हम लिख रहे हैं N1। प्रेशर लिखना, तो प्रेशर को लिख दिया NRT बाय V, इसको लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स इनटू K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, जिसको N1 लिख दिया, जिसके बेसिस पे आ गया N1 N2 KT इनटू S, ये वैल्यू हो गई डेल्टा N KT S के। तो पहले मैं फोर्स पूछा था, तो डेल्टा N KT S के बराबर ही आ गया। फोर्स बैलेंस इंप्लाइज फोर्स जब बैलेंस हो रहा होगा किससे, विस्कस फोर्स, उस वाली कंडीशन में क्या होगा वो कैलकुलेशन में करनी है। जब फोर्स बैलेंस हो रहा होगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू है B×V के बराबर, इसी को लिख दो फोर्स बैलेंस के टाइम पर। ये जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा होगा विस्कस फोर्स, तो ये वैल्यूज आ गई यहाँ से। तो इसके अंदर फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे अगर, तो विस्कस फोर्स जो है वो प्रेशर डिफरेंस वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। विस्कस फोर्स जो है वो -BV जो है वो ईच मॉलिक्यूल पे है। तो इसके अंदर से जब फ्लो हो रहे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं N1, ये फ्लो हो रहे, N1 यूनिट वॉल्यूम में है इनटू इसका वॉल्यूम S, इस ट्यूब का वॉल्यूम, तो इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, तो S कैंसिल हो जाएगा, भी आ जाएगा N1 β VL इक्वल्स टू डेल्टा NKT। तो सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फ्लो होते जा रहे हैं ट्यूब से पर सेकेंड वो कितने हैं। तो ट्यूब से फ्लो होने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो dV/dt, और कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, या दूसरा इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि N1 यूनिट वॉल्यूम के वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है A2 dV, ये टोटल मॉलिक्यूल्स है पर सेकेंड dT। अब dV/dt रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को हम एरिया इंटू वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो ये जाएगा N1 एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इतने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड फ्लो होते हुए जा रहे होंगे ट्यूब से। अब ट्यूब में इसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कौन कौन सा वैल्यू, एक तो N1 और V का, वेलोसिटी का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करना है। तो N1 V का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें N1 V, तो यह आ जाएगा डेल्टा N
के टी है से यहाँ पे डिवाइड बाय बीटा एल की वैल्यू, तो एन वन बी की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसके बेसिस पे डेल्टा एन बाय एल बाय बीटा के टी एस ये वैल्यू आ जाएगी, कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकंड फ्लो होते जा रहे हैं। थर्ड इसके अकॉर्डिंग हो गया। फोर्थ में बोल रखा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, तो यहाँ पे बोल रखा है कि टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, जबकि ये जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है डेल्टा एन है इनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस, जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस टाइम के साथ साथ वेरी होगा डिफ्यूज होगा, तो इसलिए ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी वेरी हो रहा होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि वन मोल हीलियम गैस एक कंटेनर में है जिसका इनिशियल प्रेशर पी वन वॉल्यूम वी वन है, आइसोथर्मली 4V0 पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, तो प्रेशर पहले पी वन था, आइसोथर्मली है पी वन बाय 4। फिर इसके बाद एडियाबेटिकली इसको वॉल्यूम 32V1 के बराबर कर दिया, ये कर दिया। तो पूछा हुआ है कि दोनों के अंदर जो वर्क है उसका रेशियो क्या है, आइसो थर्मल और एडियाबेटिक में वर्क का रेशियो क्या है, तो आइसो थर्मल के अंदर जो वर्क आ जाएगा वो वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये हो जाएगा टी जो भी इनिशियल इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, या एन आर टी को पी वन वी वन लिख सकते, ये पहला वर्क। अब सेकेंड में वर्क कैलकुलेट करना है, तो एडियाबेटिक के अंदर वर्क डन हो जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई गाउन माइनस वन, ये वन माइनस गाउन पी टू फाइनल प्रेशर को लिख सकते हैं पी वन वी वन रेज टू पावर गामा डिवाइड बाय वी टू रेज टू पावर गामा माइनस पी वन वी वन डिवाइड बाय वन माइनस, ठीक है। तो वॉल्यूम पहले का था 4 times 32 times, तो 4 by 32 की पावर गामा, गैस है मोनोटॉमिक हीलियम है, गामा की वैल्यू है 3 5 by 3, तो ये आ जाएगा पी वन, पी वन मीन्स ये वाला प्रेशर इस प्रोसेस के टाइम पर, और यहां पे रेशियो आ गया 4 by 32 की पावर 5 by 3 वी वन माइनस एक वी टू था यहां पर, ये पी वन की जगह सब्स्टिट्यूट किया वी टू वी वन, P2 को लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल प्रेशर पहले का वॉल्यूम 4V1 रेज टू पावर गामा, प्रेशर पहले का बाय 4 यहां पे, सॉरी यहां पे फाइनल प्रेशर P वॉल्यूम 32 V की पावर 5 by 3, 4 से हीट आ जाएगा, 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, 3 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, P1 आ जाएगा 4 भी रहेगा 32 इंटू 4, ये फाइनल प्रेशर इसके अकॉर्डिंग। P1 बाई 120 ये फाइनल प्रेशर, तो P2 V2
माइनस पी वन बी वन बाय वन माइनस गामा, गामा की वैल्यू 5/3। 32 से ये है 4 times, ये कैंसिल हो गया, तो ये है 1/4, ये है सिंगल तो आ गया 3/4 और 1 minus 5/2 हो जाएगा 2/3, तो 2/3 ऊपर चला जाएगा। तो ये वर्क आ गया 9/8 इवन। तो दोनों के वर्क का जब हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले बोला हुआ है पहले लेना है आइसोथर्मल बाद में एडियाबेटिक, दोनों के वर्क का रेशियो लेंगे तो पी वन इवन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 9/8 और ये आ जाएगा बहुत लॉग 4 को हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग 2 0.693 डिवाइड बाई 9 into 8। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट एफ की वैल्यू आ जाती है 1.78 के, ये रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर बोल रखा है, क्लोज है, हाइट है 8 meter और दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फ्रैक्शनलेस पार्ट है, 8.3 kg है इसका मास और यहाँ पर 4 meter 4 meter और ऊपर वाले में 0.1 volt 0.1 volt तो हमें गैसेज है, इनिशियल टेम्परेचर है 300 Kelvin और अब इसको रिलीज कर दिया और गैसेज एक दूसरे के अंदर लीक नहीं हो रही है लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकता है। उसमें पूछा हुआ है कि ऊपर वाले पोर्शन से कितना नीचे तक ये पार्टीशन होगा इसके, तो यहाँ पर क्या होगा जो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि इस पे फोर्सेस जो होंगे नीचे से प्रेशर का फोर्स, ऊपर से प्रेशर का फोर्स और इसका वेट, ये बैलेंसेस। ऊपर वाले पोर्शन में पी वन ले लेते हैं प्रेशर इनटू एरिया, नीचे वाले पोर्शन में प्रेशर पी टू ले लिया एरिया और एक एमजी, ये बैलेंस हो रहा है। अब यहां पर बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है किसी तरह से, तो जो भी हीट रहेगा वो अंदर रहेगा, एक से दूसरे में जा रहा होगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एक से दूसरे के अंदर हीट फ्लो हो सकता है। तो हीट पूरा सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट एक से दूसरे में जाएगा थर्मली इंसुलेटेड होने की वजह से, हीट फ्लो होने की वजह से इसमें से ये दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा, तो इनको हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस की जैसे कंसिडर करते हुए लिख सकते। तो ऊपर वाले पोर्शन में ये मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं आ गया, ये हो गया 4+x, ये हो गया 4-x, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इक्वेशन जो रहेगी पहले वो लिख देते हैं, नीचे वाले पोर्शन में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, P2V2 - P1 P2P - P1 = mg, फोर्सेस बैलेंस है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाले प्रेशर को लिख सकते हैं NRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाय वी, वॉल्यूम लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये लेंथ, इतना वॉल्यूम रहेगा नीचे वाले पोर्शन ये वॉल्यूम, माइनस NRT डिवाइड बाई एरिया 4 minus 4 plus x, ऊपर वाले का वॉल्यूम इंटू एरिया इक्वल्स टू एमजी, ठीक है। NRT नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, एरिया कैंसिल कर 0.1, आर की वैल्यू है 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू 300, तो 0.1 8.3 300 और ये रह गया 1/4 - x - 1/4 + x इक्वल्स टू mg, इसका मास दे रखा है 0.8.3 इंटू g की वैल्यू 10 मोल, मास है इसका 8.3 और g की वैल्यू 10, 8.3 जीरो यहां से कैंसिल करो, एक जीरो यहां से कैंसिल करो, तो 3 times चले जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 4 plus x - 4 - x डिवाइड बाय 4² - x²
परसों, तो ऊपर वाली वैल्यू जो हुई 2x जो 3 के साथ 6x इक्वल्स टू 16 माइनस x स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। एक रूट तो सीधा दिख रहा है कि अगर x की जगह 2 रख दें तो ये 0 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो इसका मतलब जो नीचे स्लाइड हुआ है ये यहाँ से ये 2 नीचे स्लाइड हो गया, तो ऊपर से कितना हो गया 4 प्लस 2 6 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्फेरिकल बबल वाटर के अंदर है, रेडियस आर है और जो प्रेशर है इनसाइड द बबल इन वाटर जो है वो पी नॉट है। बबल को कंप्रेस किया है एडियाबेटिकली, तो इसकी जो रेडियस है वो आर माइनस ई हो गई, ए बहुत स्मॉल है मतलब बहुत स्मॉल चेंज किया है वॉल्यूम में, तो वर्क डन इस प्रोसेस में कितना होगा वो कैलकुलेट करना। तो स्मॉल चेंज किया है इसलिए हम वर्क डन हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट पी डीवी के बराबर हो, लेकिन प्रेशर भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको एवरेज प्रेशर बोल सकते हैं, एवरेज प्रेशर कितना है इसके, ठीक है, या जो भी प्रेशर होगा। तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर जो है वो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज प्रेशर होगा, तो जो प्रेशर में चेंज हुआ मतलब यहाँ पे एवरेज प्रेशर में चेंज हुआ, प्रेशर में जो भी चेंज हुआ है उसका हाफ हम एवरेज बोल सकते हैं, फाइनली जो भी चेंज होगा उसके हाफ के बराबर तक, क्योंकि शुरुआत में प्रेशर डिफरेंस है जीरो, फाइनली कुछ प्रेशर डिफरेंस सपोज डीपी हो गया दोनों के बीच में, तो एवरेज ये हो जाएगा। डीवी वॉल्यूम में चेंज हम बोल सकते हैं, एरिया डीवी बोल सकते हैं वॉल्यूम का जब डिफरेंशिएशन करेंगे 4/3πr³ का, तो ये हो जाएगा 4πr² dr जो है a, तो 4πr² a के बराबर, तो 4πr² इतना हो जाएगा। प्रेशर में चेंज कैलकुलेट करना है, स्मॉल चेंज जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं, तो p v रेस पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया dp v रेस पावर गामा प्लस p गामा आगे मल्टीप्लाई किया v की पावर गामा माइनस 1 dv इक्वल्स टू 0। तो dp की वैल्यू आ गई यहां से, एक v की पावर गामा कैंसिल कर देंगे तो माइनस 1 जाएगा, गामा पी बाय वी माइनस कितना टी पी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस गामा पी, प्रेशर जो पहले था पी नॉट, वॉल्यूम 4/3πr³, डी वी वॉल्यूम में चेंज यही होगा 4πr² ए जो पहले भी था उसका स्क्वायर हो गया 1/2 यहाँ पे ये वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है डब्ल्यू इक्वल्स टू 4πr² में से एक आर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3/2 गामा टी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, ये वैल्यूज आ गए 3। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो कुछ इस तरह से है कि 4πp₀r ए स्क्वायर एक्स की, ठीक है, तो इसमें वैल्यू एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, स्क्वायर का सॉरी यहाँ पे 4πr³ ये वैल्यू, तो वर्क आ गया यहाँ से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 4 एक 4 आ जाएगा 4π, ये पहले कैलकुलेशन लिख देते हैं कि 3/8 गामा पी पाई आर क्यूब इंटू 16π² आर की पावर 4 ए स्क्वायर, पाई एक कैंसिल एक आर आ जाएगा 2 टाइम्स, डब्ल्यू इक्वल्स टू 6 गामा पी पाई
आर ए स्क्वायर। अब यहां पर फोर के टर्म में चाहिए तो उसको फोर करो, ठीक है, एक थ्री रख लो बाहर, थ्री बाई टू करो, वही वैल्यू है, तो थ्री बाई टू एक तो आ गया, फोर पाई आर पी नॉट इंटू, इट मीन्स थ्री बाई टू गामा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। अब गामा की वैल्यू जो है वो 41 बाई 30 है, तो यह आ गया थ्री बाई टू 41 बाई 30 जो आ गया 10 20 तो 2.05 कह रहा हूँ, ये वैल्यू तो 2.05 यहाँ पे वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कंटेनर के अंदर 1 केजी वाटर है, सनलाइट में रखा हुआ है, वाटर जो है वो गर्म हो रहा है सराउंडिंग से, मतलब सनलाइट से, और पर यूनिट टाइम जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया वो 700 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। वाटर का जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है जहाँ से इवेपोरेशन होगा, सॉरी हीट रेडिएट होगा, एब्जॉर्ब होगा, 0.05 बोल रखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करना है तो डिफरेंस बताना है टेम्परेचर में वाटर का और सराउंडिंग का कितना है लॉन्ग टाइम के बाद। तो लॉन्ग टाइम के बाद सिचुएशन ये होगी कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो उसके पास कंटिन्यूस आती जा रही है वाटर के पास और खुद रेडिएट कर रहा है वो साथ साथ और। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पर हीट जितना इंसिडेंट हो रहा है सनलाइट से उतना ही रेडिएट करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा देगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो हीट रेडिएट करता है इसकी वैल्यू आती है 4e सिग्मा a t नॉट क्यूब डेल्टा, कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये हीट जितनी रेडिएट कर रहा है 700 एब्जॉर्ब भी कर रहा है उसमें, 700 एब्जॉर्ब किया थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पर, 700 पर यूनिट एरिया एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया, और एरिया जो एक्सपोज हो रखा है वो दे रखा है 0.05, तो इनटू एरिया कर देंगे इसमें, ये वैल्यू नहीं, एरिया कैंसिल, ए की वैल्यू उसके अंदर इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। जब यहाँ पर ये आ गया 700 इक्वल्स टू 4e t नॉट क्यूब डेल्टा, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बता रखी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो कांस्टेंट है वो 0.001 हमें लेना है। तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जरा देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स डेल्टा टी, ये है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4e सिग्मा a t नॉट क्यूब बाय ms, यहीं से डिवाइड बाय ms किया हुआ डेल्टा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बोल रखी है यहां, इसकी वैल्यू हमें बता रखी है 0.001। तो इसको जरा देखें, सब्स्टिट्यूट करके देखें, t नॉट क्यूब 4e सिग्मा a, 4e सिग्मा a t नॉट क्यूब बाय ms इक्वल्स टू 0.001, तो हमें चाहिए 4e सिग्मा t की पावर 3, तो ये आ जाएगा 0.001 इनटू ms डिवाइड बाय एरिया, ये वैल्यू हो जाएगी सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये हो गया 0.001 इनटू m, मास दे रखा है वाटर का, वाटर था 1 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर की ये दे रखी है 4200, एरिया इफेक्टिव एरिया 0.05, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दी हमने किसकी, 4e सिग्मा t नॉट क्यूब 700 डेल्टा,
ठीक है। तो यहां से हम डेल्टा टी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि सराउंडिंग और इसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू है ये आगे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8.33 डिग्री सेल्सियस बोल दो या केल्विन में बोल दो। ठीक है, थैंक यू।